उधर देखना, ये तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, बकरी के हाथ लगाते ही टक्कर मारने लग गया, अग्रेसिव ज्यादा है काफी। और बकरी की हाइट भी ब्रीडर के जैसी ही है, काफी बढ़िया हाइट में है, ब्रीडर के बराबर की लगभग हाइट है बकरी की। जैसे राजस्थान में जाते हैं दो तो 250 रुपए किलो बता देते हैं हमें, लेकिन मैं भी गया था इनको लेने के लिए, तो जो एक्चुअल जो फार्मर है वो तोल से बकरी नहीं देते जी, वो देते हैं नग पे बकरी। और जो हमारे जो ट्रेडर भाई हैं वो पानी पिला के कोई आटा पिला के बकरियों को बेचते हैं धोखाधड़ी से जी, तो वो कुछ भी रेट में दे सकते हैं। देखो जी, हमने भी सुना है कि बकरियों को थोड़ा सा बड़ी होने के बाद में ही क्रॉस कराना चाहिए, लेकिन 8 दांत तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है एज। ये जी 8 दांत पे लगभग 2.5 साल की होगी। हाँ। तो ये 2 साल से पहले क्रॉस नहीं करवाते, आते ही हमने 3-4 महीने हमने क्रॉस नहीं करवाया। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विजिट है एक सोजत और सिरोही गोट फार्म पे, और भाई काफ़ी युवा हैं और बकरी पालन कर रहे हैं, जानकारी लेते हैं भाई कब से कर रहे हैं और कैसा ये बिजनेस है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में थोड़ा बताओ हमारे व्यूअर्स को। नाम है जी मेरा राम रतन गिल। हाँ जी, हमारा गांव है लाडावास, ब्लॉक बारडा, डिस्ट्रिक्ट अचरखेदादरी हरियाणा से। अच्छा जी, तो भाई बकरी पालन कब से कर रहे हैं आप? ये हमको हो गया जी लगभग 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो बकरियों के अलावा और क्या काम करते हो? खेती करते हैं जी, फार्मर हैं। अच्छा, फार्मर हैं। कितनी जमीन है? ये जी लगभग 17-18 किले। 17-18 किले हैं और खेतों में रहते हो? हाँ जी। ये देखिए भाई, जंगल है और भाई ने घर भी अपना खेतों में बना रखा है और बकरी पालन कर रहे हैं। तो भाई 17-18 किले हैं और बकरी का विचार कैसे आया आपके मन में? ये जी लॉकडाउन में घर पे ही बैठे रहते थे, बाहर काम पे जाते नहीं थे कहीं पे जी, जी, जी। तो तब कुछ तो वीडियो देख के ख्याल आ गया, पशुओं का शौक था, घर खाली है बैठे रहते थे खाली घर पे। अच्छा, तो कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली है आपने? ट्रेनिंग के बारे में नहीं ली जी कहीं से, वैसे बारडा है अपना हॉस्पिटल सरकारी पशुओं का, वहां से 2-3 दिन के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया था, वहीं से थोड़ा बहुत जो भी है। तो वहीं से जानकारी ली है आपने। अच्छा, तो शुरुआत में बकरियां खरीदी आपने, तो कहां से खरीदी थी? हम जी ले आए थे इनको पुष्कर से, बवाल गांव से। बवाल गांव से सिरोही की बकरियां ले आए थे शुरुआत में 10। अच्छा, फिर उसके बाद में ये सोजत वाली कब ले आए? सोजत वाली ले आए जी लगभग हो गए 8-9 महीने। तो 2 ब्रीड पे काम करने का विचार कैसे आया? ये जी बच्चों को तो सोजत अच्छी लगती है, हमें सिरोही अच्छी लगती है। बच्चे बोले पापा सफेद बकरी रखेंगे तो हम सफेद ले आएंगे आपके लिए। और वैसे सोजत ब्रीड अच्छी है जी। तो अच्छा, जो आपके पास में ये ब्रीडर है? हाँ जी। कितने दांत है? ये जी 4 दांत है अभी। 4 दांत आपके पास कब से है? ये जी बकरियों के साथ ही ले आया था मैं, अदंत था बच्चा ले आया तब। अच्छा, हाइट में कितना होगा? हाइट में होगा जी 41-42 के करीब। 41-42 आपने नापी नहीं है? नहीं जी, वो जैसे बता रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, अभी टोटल कितनी बकरियां होंगी आपके पास में? अपने पास होंगी जी 35 बड़ी बकरियां। अच्छा। हाँ जी, तो ये ब्रीडर है आपका सिरोही का? ये सिरोही का ब्रीडर है, ये 6 दांत है बच्चा अभी। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है जी 43 कन्फर्म है ये तो। अच्छा, 43 कन्फर्म है। हाँ जी। अच्छा, तो ब्याई हुई बकरियां कितनी हैं अभी आपके पास? ये हमारे पास अजी 18 से 19 बकरियां ब्याई हुई हैं। और प्रेग्नेंट कितनी हैं? प्रेग्नेंट हैं जी 10-11 बच्चे। 10-11 हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये पर बकरियां दिखाओ थोड़ी आप। हाँ जी, आ जाओ। हाँ, ये जी सोजत। कौन से ब्यात की है? ये है जी सेकंड ब्यात की है। हाँ, और 2 बच्चियां हैं इसके नीचे। अच्छा, अभी ये ब्याई हुई है, 2 बच्चियां इसकी। कितने दिन की ब्याई हुई है? ये है जी लगभग 2 महीने की। ठीक, आगे की हुई है? हाँ जी, ये 1-2 दिन पहले ही क्रॉस करवाई है हमने। अच्छा, बढ़िया। तो भाई इस वाली बकरी की क्या डिटेल है, कौन से ब्यात में? ये जी फर्स्ट ब्यात पे अभी इसने एक बच्चा बच्ची दी है, एक बच्ची दी है। हाँ जी। अच्छा, और वाइट आईज है? वाइट आईज है, बच्ची भी बिल्कुल वाइट आईज में इसकी। बहुत अच्छी बच्ची है।
अभी एक महीने से ब्याही है ये। दांत दिखाने एक बार जरा इसके, चार दांत है क्या? छह दांत है और पहले ही ब्याह में ब्याही है। हाँ जी। अच्छा, काफी लेट क्रॉस हुई है फिर तो ये जी। ग्रोथ अच्छी कर लेती है अगर चार दांत पे क्रॉस करवाते है, तभी छह दांत होगी तब ब्यागी। अच्छा, और दिखाओ जरा, इधर भी है। ये पाठ है, ये पट है जी, ये भी क्रॉस हुई है लगभग दो महीने की। अच्छा, हाइट वगैरह में ठीक है? ठीक है, अच्छी ग्रोथ लेगी। साइन वगैरह भी बढ़िया है। हाँ, दो दांत हुई है अभी, वही नहीं अदंत है अभी। अदंत है? हाँ जी। तो जल्दी क्रॉस होगी फिर ये जी, होगी। अच्छा, तो कुछ फीड में मिनरल मिक्सर वगैरह ये देते हो आप? फीड में जी अभी तो ग्रेजिंग के लिए बाहर जाती हैं बकरियाँ। मिनरल मिक्सर वगैरह कुछ नहीं देते हो? मिनरल मिक्सर दाना देते हैं। लीवर टॉनिक मिनरल मिक्सर तो देते हैं जी, जब डीवार्मिंग करते हैं तब एक हफ्ते के करीब लीवर टॉनिक देते हैं इनको। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और बकरियां दिखाओ जरा अपने, देखो भाई ये वाले हैं। अच्छा, तो बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं या यहीं पे चराते हैं? ये जी टाइम होता है तो बाहर ले जाते हैं, नहीं स्टॉल फीड पे भी। अच्छा, आप ही ले जाते हो या कोई और ले जाते हैं बाहर? हमारे पास एक लेबर है जी, एक बंदा। अच्छा, वो बाहर ग्रेजिंग के लिए ले जाता है। अच्छा, ये वाली बकरी? ये भी फर्स्ट ब्याह पे है जी अभी। हाँ हाँ, थोड़ी बड़ी दिख रही है ये वाली तो। ये जी आप देख लो, फ्रेश छह दांत है। तो पहले ब्यांत में तो छह दांत है तो ये जी ले आए तब सभी पठे थी। हाँ हाँ, और यहाँ आने के बाद क्रॉस हुई है। अच्छा, एक तो कब की ब्याही हुई है ये? ये जी इनको जी एक महीना हुआ है सबको, लगभग एक महीना हुआ है। हाँ जी। अच्छा, देखा ना पीछे से, थोड़ा आगे करो थोड़ा। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके नीचे? बच्चा एक ही दिया है जी इसने। अच्छा, ये तो दूध निकालते हैं क्या या नहीं? बच्चे बच्चे कोई पिलाते हैं? ये जी थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे पी लेते हैं। ज्यादा दूध है बच्चों में, बकरियों में तो दस्त लग जाते हैं बच्चों के। बच्चों को दस्त की शिकायत हो जाती है गर्म। अच्छा अच्छा, गर्मी का टाइम है वैसे भी। अच्छा, ये बकरी है ये अलग रख रखी है, ये क्या कोई प्रॉब्लम है इसको? प्रॉब्लम थी पैर में, ले आए तब गाड़ी में इसका पैर टूट गया। रहने दो इसको, रहने दो अंदर, फिर रहने दो। ये भी जी काफी अच्छी पट है। हाँ हाँ, प्योर सोजत, बहुत क्वालिटी, पंच फेस है, लंबे कान है, पिंक स्किन है, देखो आप जी जी जी। हाँ हाँ, तो इसका जी ये पैर डैमेज हो गया थोड़ा। अच्छा, रस्ते में ही दिक्कत हो गाड़ी में। ओ, इसने भी एक बच्ची दी है अपने पास। अच्छा, ये ब्याह चुकी है ये भी? हाँ जी, ये भी ब्याह चुकी है। अच्छा, ये अपने पास गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करते समय, तो फिर गाड़ी पैर में दर्द है तो काफी तकलीफ हुई होगी ब्याहने में भी इसको थोड़ा। ये जी थोड़ी कमजोर हो गई थी पहले तो, अभी ठीक है। चलो, और अपनी सिरोही वाली और बकरियां दिखाओ जरा, ब्रीडर दिखाओ, बकरियां दिखाओ। अच्छा, ये है आपका सिरोही का ब्रीडर? हाँ जी, काफी मजबूत है, बहुत अग्रेसिव है जी ये। और तो, ये भी छह दांत का बच्चा है। और तो ये भी बकरियों के साथ ही लाए थे? ये ले आए थे जी। हाँ जी। अच्छा, ये बोवाल गांव से ले आए थे। हाँ, इसकी माँ की हाइट ही 44 थी। दांत जरा छह है, आठ है? एक मिनट जी, ये थोड़ा अग्रेसिव ज्यादा है, ये देखो आप, दो चार छ हैं और आठवें करने लग रहा है ना? नहीं जी, तोड़े नहीं आठवें तो, तोड़े नहीं है। हाँ जी, ये देखो बिल्कुल कच्चा है अभी तो। ठीक है, काफी बढ़िया है, ब्रीडर है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी सिरोही वाली बकरियाँ थोड़े राता कलर में ज्यादा हैं। ये जी रात कलर का ये फर्क है, इनमें दूध ज्यादा है थोड़ा। अच्छा, और चमदर ब्रीड भी यही है सिरोही की। ये वाली दिखाना जरा बकरी, उसे देखना, ये तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, बकरी के हाथ लगाते ही टक्कर मारने लग गया, अग्रेसिव ज्यादा है काफी। और बकरी की हाइट भी ब्रीडर के जैसी ही है, काफी बढ़िया हाइट में है, ब्रीडर के बराबर की लगभग हाइट है बकरी की। अच्छा, कौन से ब्यांत की होगी ये? ये जी थर्ड ब्यांत की है, थर्ड ब्यांत में है। हाँ जी, काफी बढ़िया बकरी है। और ब्याई हुई है? नहीं जी, अभी लोडेड है। अच्छा, लोडेड है। हाँ जी, लगभग काफी अच्छी है। अच्छा, इसके पहले ब्यांत की बच्ची ये है आपके ये सामने है जो, तो सेल के लिए है ना अपनी? ये सेल कर देंगे जी कोई, तो क्या कुछ रेट रहेगा सेल का इनका? ये तो जी मौके पे ही होगी बात,
जैसे फिर भी थोड़ा अंदाजा हो कि इस हिसाब से लगभग मिल जाती है, इतने से इतने में मिल जाती हैं आपके पास में बकरी? देखो भाई साहब, जैसे राजस्थान में जाते हैं दो तो 250 रुपए किलो बता देते हैं हमें, लेकिन मैं भी गया था इनको लेने के लिए, तो जो एक्चुअल जो फार्मर है वो तोल से बकरी नहीं देते जी, वो देते हैं नग पे बकरी। और जो हमारे जो ट्रेडर भाई हैं वो पानी पिला के कोई आटा पिला के बकरियों को बेचते हैं धोखाधड़ी से जी। तो वो कुछ भी रेट में दे सकते हैं। हम तो जी बकरियां ले आए थे पट्टी के हिसाब से, एक जी एक जी। फार्मर के पास सेलेक्ट करके। तो हमारा तो रेट भी वैसे ही लगा एक था, एक के हिसाब से आपने अलग अलग खरीदी एक हैं। एक बकरी हमने अलग अलग दूध देख के खरीदी थी। हमारे पास ये यही कारण है भाई, हमने बकरियां देखी थी बहुत हाइटेड बकरियां हैं अपने पास, 40, 41, 42, 43 के राउंड है। अभी ये बकरी है, ये बकरा है, आप इनकी हाइट के बीच में अंतर देख लो। हाँ बिल्कुल, ब्रीडर की जितनी हाइट है ये भी काफी अच्छी बकरी है। हाँ जी, हाइट वाली बकरी है, इधर भी काफी बढ़िया दिख रही है बकरियां। बकरियां आपके पास अच्छी हैं। अच्छा, तो सोजत और सिरोही का कौन सी का भी रेट नहीं बता पाएंगे अभी है। सर वो क्योंकि तो कुछ लोगों का कहना होता है ना कि भाई थोड़ा अंदाजा आ जाए फिर फोन पे, तो कौन कौन फोन करे फिर आप भी परेशान हो जाओगे। सर बात ऐसी है, अभी जो रेट बता दें उसमें सारी लेने का और एक दो बकरी या पांच बकरी लेने में फर्क हो जाता है, तो बंदा यही बोलता आगे से कि भाई आपने ये रेट बताया था, अभी आप बात से पीछे हो रहे हो। और ये सर हमारी एक बकरी है सेकंड ब्याह पे, पूरे अच्छा। दांत करके 8 दांत पे हमारी बकरी ये। अच्छा, 8 दांत पे सेकंड बार ब्याही है? फर्स्ट बार ब्याही थी 8 दांत पे। अच्छा, इसका दूसरा लैक्टेशन है। तो क्या रिपीटर थी या फिर क्या और कारण था इसका, हिट भी नहीं आई? पट थी, हमने यही आके इससे क्रॉस करवाया था ब्रीडर से। लेकिन 8 दांत पे तो 3-4 ब्यांत ले लेते हैं लोग। वो तो जी तब बकरियां कमजोर हो जाते हैं, हाइट देखो, लेंथ देखो, क्वालिटी देखो बकरियों की, इस बकरी का पंच फेस देखो आप। देखो जी, हमने भी सुना है कि बकरियों को थोड़ा सा बड़ी होने के बाद में ही क्रॉस कराना चाहिए, लेकिन 8 दांत तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है एज। ये जी 8 दांत पे लगभग 2-2.5 साल की होगी। तो ये 2 साल से पहले क्रॉस नहीं करवाते, आते ही हमने 3-4 महीने हमने क्रॉस नहीं करवाया इनको। अच्छा, तो जिस कारण इनकी, तो इसके बच्चे वगैरह हैं आपके पास? हाँ, इसकी एक बच्ची है अभी। अब दिखाओ जरा एक बार बच्ची इसकी, ताकि इसका रिजल्ट देखें कि कैसा रिजल्ट है इस बकरी का। बच्ची दी है, स्पॉटेड बच्ची उनके वहाँ। अच्छा, तो भाई ये बच्ची है इसके नीचे इसके। अच्छा, पिछली बार इसने 2 बच्चे दिए थे, अब की बार 1 बच्ची दी इसने। अच्छा, कितनी एज की बच्ची होगी? लगभग 1.5 महीने की बच्ची है। आप देखो अपने इसी ब्रीडर की है, इसी ब्रीडर से क्रॉस हुई थी जी जी। और हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक सोजत बकरी पे और बच्चा लिया इसका। मैं आपको वो सिरोही ब्रीडर से, सिरोही ब्रीडर से सोजत की फीमेल जी जी एक हमने क्रॉस करवाई थी। तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट आया, दिखाओ जरा। अच्छा, ये वाली सोजत, ये प्योर सोजत बकरी पे सिरोही का ब्रीडर, सिरोही ब्रीडर है, रिजल्ट है भाई। ये रिजल्ट है, आप इधर दिखाओ, ये देखो भाई, ये देखो प्योर इधर, ये जो एक बाल भी सफेद नहीं है इसका। इसके दो, इसकी माँ ये है और आप ये बच्चा देख लो। हाँ, माँ पे भी हैं दोनों लटके हुए, गलथन माँ पे हैं, बाकी सारी बच्चे पे भी हैं। और वैसे नस्ल में ये आया है, कलर में भी आया है सिरोही पे, बिल्कुल शानदार रिजल्ट आया है। ये हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोड़ा था भाई साहब। अभी ब्रीडर का रिजल्ट क्या है? और हमने इसके फर्स्ट बार ब्रीडिंग ली थी 4 दांत होने के बाद। 4 दांत का ब्रीडर हो गया था तब पहली बार क्रॉस करने के लिए बकरियों पे छोड़ा था। और सारे बच्चे हैं जो लग अभी तक इसके 5-6 बच्चे हैं, सारे स्पॉटेड बच्चे आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा अग्रेसिव ब्रीडर है, आप देख रहे थे। हाँ, खुद ही छलांग लगा रहा, खुद ही छलांग लगा रहे, हाथ लगाने नहीं देता। और एक ये है पिछले ब्यात की बच्ची है अपने पास, सिरोही बकरी की जी जी। ये देखो आप, ये 7-8 महीने की पट है। हाँ, अगर कोई चाहे तो इसको आगे आप देख सकते, पंच फेस देखो इसके, कान देख लो,
आपके बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चों बकरियों में? बच्चों को ये छोटे बच्चे हैं बकरियों के बहुत पसंद है। और ये इनका नाम वगैरह भी निकाल रखा है सभी का पहचान। ये बच्ची इसका नाम पूजा रख रखा है। एक इसके साथ की बच्ची और थी वो एक भाई ले गया गाँव का ही। अच्छा तो भाई कैसा कुछ रिजल्ट मिला है अभी तक आपको इतने दिन से रखने रहे हैं बकरियां? हम तो जी बहुत खुश है बकरियों से। अच्छा काफी अच्छा रहा हमारा ये। शुरुआत में हमारे पास 8 बकरियां भी आई थी। 8 ने अच्छे बच्चे दिए और बढ़िया काम लगे हमें, अच्छा प्रॉफिट हुआ जी। तो नया बंदा अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू करना चाहिए थोड़ा बताओ? वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद है शुरुआत की। या प्रेग्नेंट कंफर्म हो तो ही लो। नहीं तो फिर ब्याई हुई बकरियां लो। अच्छा उसमें आपको नुकसान की गुंजाइश कम होगी। आप अगर 1,000-2,000 रुपए महंगी सस्ती बकरियां ले लोगे तो आपके बच्चे बिक जाएंगे और बकरियों में दूध होगा और आपको बच्चे सामने देखने को मिलेंगे और रिजल्ट भी पता चलेगा आपको बकरियों का। जी जी ठीक है भाई, काफी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे व्यूअर्स को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।